हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेबी पोटैटो से एक रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बेबी पोटैटो को बॉईल करके लिया है। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ करी पत्ता और हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, साथ में हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए, जीरा पाउडर हमने इसमें डाल दिया था, अब इसे मिक्स कर लिया। साथ में हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस और इसे मिक्स करके एक साइड में रख देंगे 15 मिनट के लिए। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, इसे आप जरूर ट्राई करें। इसे आप स्टार्टर की तरह या साइड डिश की तरह भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी डिलीशियस रेसिपी है, आप लोग इसे ट्राई जरूर करें। 15 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, थोड़ा सा बेसन और साथ ही हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब गरम ऑयल में सारे पोटैटोस को डाल के डीप फ्राई करके निकालेंगे। रेसिपी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सारे पोटैटोस को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के रेडी हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे पोटैटोस को फ्राई करके निकाल लेंगे और एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। बाउल में शिफ्ट करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला छिड़क देंगे। इसे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही बारीक कटे धनिया पत्ती के साथ इसे गार्निश कर लेंगे। ये तैयार है सर्व करने के लिए। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।